हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा, पूजा वर्मा ई किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ तरीके वाली प्याज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये प्याज बहुत ही टेस्टी लगती है, आप सैलेड में यूज करिए, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो प्याज, ये देखिए टोटल आधा किलो प्याज है ये। कुछ मैंने काट ली है यहाँ पे और कुछ साबुत ली है, तो मैं इसको साइड करती हूँ। यहाँ पे इन प्याज को जो है थोड़ा सा कट लगा के तैयार कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारी प्याज के ऊपर जो है थोड़ा सा कट लगा लिया है, ताकि अच्छे से हमारे सिरका जो है अंदर तक पहुँच जाए। इसमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगे ये। तो यहाँ पे मैंने चार मिर्ची भी ली हैं, तो मिर्ची को भी बीच से ही कट लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो सारी मिर्चियों को कट लगा लेंगे। ये लीजिए, सारी हमारी मिर्ची भी कट हो चुकी है और प्याज भी कट हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने एक भगोना लिया है छोटा सा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। यहाँ पे 1 चम्मच डालूंगी नमक और 1 डालूंगी दालचीनी टुकड़ा, और यहाँ पे 1 ये फूल डालूंगी और 2 लौंग डाल दूंगी इसमें। यहाँ पे 5-6 काली मिर्च, तो ये भी डाल दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, 2 छोटे चम्मच डालूंगी चीनी। तो इनको अच्छे से पका लेंगे चीनी घुलने तक। ये देखिए, मसाले ऑप्शनल हैं टोटल, आप डालना चाहें तो डालिए वरना मत डालिए, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मसालों का। और खट्टे मीठे और नमकीन प्याज होते हैं हमारे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा सा चुकंदर, उसको छोट बारीक पीस में कट कर लिया है मैं, ये भी डाल दूंगी पानी में। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया सा कलर आ गया हमारी पानी में, और पानी भी बॉईल हो चुका है। तो मैं इसे स्टेज पे मैं बंद कर देती हूँ गैस को। तो मैंने गैस को बंद कर दिया, अब इसको ठंडा करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो पानी बना के तैयार किया था मैंने, वो ठंडा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जिस कप से मैंने मेजरमेंट पानी का किया था, 1 कप पानी लिया था, और उसी कप से मैंने आधा कप यहाँ पे विनेगर लिया है। तो मैं विनेगर ये इसमें ऐड कर देती हूँ जो हमने पानी बना के तैयार किया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक कांच का जाल लिया है, आप कोई जाल ले लीजिए या फिर बाउल ले लीजिए। तो इसमें मैं प्याज डाल सकते हो, देखिए मैंने सारे प्याज जो है अपने जार में रख लिए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और जो मिर्ची मैंने कट करके ली थी वो भी डाल दी है। तो मैं इसमें पूरा भर दूंगी इसको पानी से। और यहाँ पे चुकंदर है जो, ये भी डाल दूंगी। ये लीजिए, और यहाँ पे मैंने जो स्लाइस कट करके लिए थे प्याज के, इसमें भी विनेगर डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी चुकंदर का। तो फ्रेंड्स, ये 2 घंटे बाद खाने लायक हो जाएंगे। और यहाँ पे इसको 24 आवर्स लगेंगे, यानी 24 घंटे में ये खाने लायक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इनको 24 घंटे तक रखूंगी, और यहाँ पे 2 घंटे में ये तैयार हो जाएगा हमारा प्याज बनके। तो फ्रेंड्स, ये वही वाली प्याज है, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्याज और पुदीना और दही की चटनी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है ये प्याज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे 24 घंटे हो चुके हैं, तो मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये जो चुकंदर है,
तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ये देखिए कितने बढ़िया प्याज बन के तैयार हुए हमारे, ये देखिए। ये लीजिए कितने बढ़िया प्याज बन के तैयार हुए हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल घर में ही बनाना। तो आपको इस पानी को कम से कम 3 बार यूज कर सकते हैं आप। प्याज आपकी ख़त्म हो जाए तो फिर से दोबारा से डाल सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए फ्रेंड्स, और ठंडे ठंडे प्याज बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी बनाइए फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।